हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ल्यूप्रोलाइड एसीटेट के बारे में बात करेंगे। ल्यूप्रोलाइड एसीटेट के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स एंड डोसेज देखेंगे। तो ल्यूप्रोलाइड एसीटेट एक एंटी न्योप्लास्टिक एजेंट है, मतलब ये एक एंटी कैंसर ड्रग है जो कैंसर कीमोथेरेपी और कैंसर के अगेंस्ट इस इंजेक्शन को ल्यूप्रोलाइड एसीटेट को दिया जाता है। ल्यूप्रोलाइड एसीटेट का हम हार्मोन थेरेपी में भी यूज़ करते हैं। ये एक सिंथेटिक जोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। ये मेल्स एंड फीमेल्स, मतलब मेन और वुमेन दोनों में यूज़ किया जाती है। मेन में इसे प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं और फीमेल्स में इसे एंडोमेट्रियोसिस और यूटेराइन फिब्रॉइड्स में यूज़ करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब यूटेरस ऑर्गन के टिश्यू नॉर्मली नहीं ग्रो होकर अपनी लाइनिंग से बाहर तक ग्रो करते हैं, उसे हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। और यूटेराइन फिब्रॉइड्स का मतलब नॉन कैंसरस ग्रोथ इन द यूटेरस डेट कैन डेवलप ड्यूरिंग अ वूमेन चाइल्ड बियरिंग ईयर्स। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये अलग अलग जो गार्ड जैसी बनी हुई है, ये फिब्रॉइड्स। ल्यूप्रोलाइड एसीटेट मेंस में कैसे प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स को कम करता है, तो हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन विच स्लो द ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। मतलब ल्यूप्रोलाइड एसीटेट टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम कर देती है, जिससे प्रोस्टेट कैंसर की ग्रोथ स्लो हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, मेल्स की बॉडी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम इसको अगली वीडियो में बता देंगे। ये फीमेल्स में कैसे वर्क करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। ल्यूप्रोलाइड एसीटेट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सप्रेस कर देती है, जोनाडोट्रोप को सप्रेस कर देती है, जिससे जोनाडल सेक्स स्टेरॉइड प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इससे एस्ट्रोजन लेवल, जो फीमेल्स में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसके लेवल को कम कर देती है। जब पेशेंट में हम इसे फर्स्ट टाइम इंजेक्ट करते हैं तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, फिर बाद में इसका लेवल कम हो जाता है। इसको हम एस्ट्रोजन सर्ग बोलते हैं। ये तो हमने दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेस देख लिए कि मेल्स में इसे किस में यूज़ करते हो, फीमेल्स में इसको किस में यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डोसेज की, इसको कितना एमजी कितने टाइम तक दिया जाता है। वैसे इसे इंट्रा मस्कुलर लगाया जाता है, इसे मसल्स में दिया जाता है इस इंजेक्शन को। ये सिंगल वाइल में आता है, इसकी जो पैकिंग होती है सिंगल वाइल की होती है। ये अलग अलग एमजीज में आता है। 7.5 एमजी इसे मंथली लगाया जाता है, 22.5 एमजी इसे 3 मंथ में एक बार लगाया जाता है, 30 एमजी 4 मंथ में एक बार, 45 एमजी 6 मंथ में एक बार। और जो इसमें डिपोट्स भी आते हैं, तो हम इसके डिपोट्स की बात करते हैं। ये 3.75 एमजी मंथली पेशेंट को लगाया जाता है। पेशेंट्स की डिजीज़ की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। 7.5 एमजी मंथली, 11.25 एमजी इन 3 मंथ, 22.5 एमजी इन 3 मंथ, 30 एमजी इन 4 मंथ एंड 45 एमजी इन 6 मंथ। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, जैसे हॉट फ्लैशेस, स्वीटिंग, पसीना आना, एक्ने, पिंपल्स होना, रश इचिंग, स्केली स्किन, मूड चेंजेस, आपका मूड चेंज होता रहेगा इसमें, हेडेक, सरदर्द होना, जनरल पेन, वेजाइनल स्वेलिंग, इचिंग और डिस्चार्ज, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, वेट गेन, आपका वेट गेन होने लग जाएगा। क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन जो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो वेट को कंट्रोल करता है बॉडी में। ये फैट्स को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये हमारी बॉडी में एक बॉडी शेप और वेट को मेंटेन कर रखता है। डिक्रीज टेस्टिकल साइज, जहाँ आप इंजेक्ट कर रहे हैं इस इंजेक्शन को, वहाँ पे रेडनेस, पेन और स्वेलिंग भी हो सकती है। तो दोस्तों,
हमने ल्यूप्रोलाइड एसीटेट के बारे में इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स देख लिए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।